Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं तो ऑपरेशन कराते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्टली हो और नज़र बिल्कुल बढ़िया आ जाए। तो सबसे पहले जब आप ऑपरेशन थिएटर में आते हैं तो पहले हम आपको एक डिस्पोजेबल कैप, एक डिस्पोजेबल मास्क और एक क्लीन गाउन बनाते हैं जिससे आप बिल्कुल आपके कपड़े में जो गंदगी थी वो सारा हट गया और आपने फ्रेश कपड़े पहन लिए जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपकी आंखों को हम लोग क्लीन करेंगे, साफ करेंगे कि वो एरिया बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आंखों को साफ कैसे करा जाता है। सो अब आप ये आप देख रहे हैं कि हम लोग आंखों को क्लीन कर रहे हैं और ये एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन होता है, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, जिससे हम ऑपरेशन के एरिया को बिल्कुल परफेक्टली क्लीन कर देते हैं कि ये एरिया बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री हो गया। जब आप इस मेडिसिन से क्लीन करा रहे हैं तो हो सकता है आंखों में मेडिसिन थोड़ी सी चुभे, तो उसका आपको घबराना नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्लीन करने के बाद आपको इस एरिया को अब टच नहीं करना, हाथों से छूना नहीं है, क्योंकि एक बारी हमने इस एरिया को क्लीन कर दिया तो ये बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री हो गया। अब हाथों में कंटामिनेशन है, एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो इससे अब आपको इस एरिया को जो हमने क्लीन कर दिया है उसको टच नहीं करना, टच करके उसको कंटामिनेट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाली जाएंगी, तो आराम से सिर को ऊपर करके आपको आंखों में ड्रॉप्स डलानी है। जैसे ही आंख में हम ड्रॉप डाल दें फिर आंखों को 2 मिनट के लिए बंद कर देना है। तो ये बातें क्लियर हैं कि आपको जब अंदर लाया जाएगा पहले आपको एक एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन से क्लीन करा जाएगा, क्लीन करने के बाद आपको कहीं भी टच नहीं करना और आंखों में ड्रॉप डाली जाएगी, आराम से वो ड्रॉप डलवा लीजिए। जब आप आंखों में ड्रॉप डलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी ड्रॉप आंखों से बाहर भी निकले, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको वहाँ पे टच नहीं करना और बस आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपनी टर्न का वेट करिए। इसके बाद हमने ये समझना है कि अगर आप अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस लेज़र से करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक मशीन के नीचे लिटाया जाएगा जहाँ पे लेज़र वाला स्टेप किया जाएगा और फिर आपको मेन ओटी में शिफ्ट करा जाएगा जहाँ पे मोतियाबिंद को निकाल के आँख में लेंस डाला जाएगा। और अगर आप सिंपल वाला ऑपरेशन करा रहे हैं जैसे माइक्रोफेको फेको या MICS से करा रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्टली मेन ओटी में ले जाया जाएगा और वहीं पे ऑपरेशन करा जाएगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग कैसे करते हैं ऑपरेशन। सो इसके बाद आपको सबसे पहले फेमटो ओटी में लाया जाएगा जहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेज़र मशीन है जिससे मोतियों को हम काट के घोलते हैं। तो आपको एक बेड पे लिटाया जाएगा और आपकी आँख में एक क्लीन शीट को डाला जाएगा। एक बारी क्लीन शीट आपकी आंखों में डाल दी गई, आपको बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना और फिर आंखों में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल आई स्पेकुलम, जिससे आंखों की पलके खोली जाएंगी ताकि लेज़र के दौरान आंख बंद ना हो। तो ये इंस्ट्रूमेंट है और ये मैं अब आंख में लगा रहा हूँ। फिर एक बारी आपको प्रॉपरली ड्रेसअप करके रेडी कर दिया फिर हम एक डिस्पोजेबल पेशेंट इंटरफेस को लेते हैं और इसको मशीन के ऊपर लगा देते हैं। इसका फ़ायदा होता है कि हर पेशेंट के लिए ये नया यूज़ किया जाता है जिससे आंखों में किसी भी तरह की इन्फेक्शन या कंटामिनेशन ना हो। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम है,
कि आपको इस पेशेंट इंटरफेस या पीआई के अंदर देखना है, जहां पे आपको एक लाल लाइट, रेड कलर की लाइट ब्लिंक होते हुए दिखेगी, जिसके चारों तरफ 6 सफेद रंग की लाइट होगी। तो जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लाल लाइट ब्लिंक कर रही है और इसके चारों तरफ 6 वाइट कलर की लाइट्स हैं सर्कल में। तो आपको अपना फोकस लाल लाइट पे रखना है जो ब्लिंक कर रही है। बस उस लाल लाइट को आप देखते रहेंगे, बाकी सारा काम मैं करूंगा ऊपर से। तो आप अंदर देखेंगे एक बार, लाल लाइट को फोकस रखेंगे, शाबाश। इस समय आपकी आंख थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और बस ऐसे ही लेटे रहना है। और मैं लेज़र को स्टार्ट कर दूंगा और लेज़र में करीब 10 से 20 सेकंड लगेंगे। तो बस मैंने लेज़र शुरू कर रहा हूँ और लेज़र ऑपरेशन अंदर आंखों में काट के इसको ठीक कर रहा है। और जब ये स्टेप पूरा हो गया, हिलना नहीं है आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं लेज़र शुरू करने वाला हूं, और जब ये स्टेप पूरा हो गया तो मैं आपको बताऊंगा ख़त्म हो गया, और फिर आराम से मशीन को आपकी आंख से ऊपर लाया जाएगा। इस समय भी आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, इस स्टेप में कोई भी दर्द नहीं होता। हल्का सा आँख में प्रेशर आ सकता है, हल्की सी नज़र धुंधली पड़ सकती है, लेकिन बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इस स्टेप के बाद फिर हम ये इंस्ट्रूमेंट आपका दोबारा हटा देंगे और इस शीट को हम दोबारा हटा देंगे, और अब आपको हम शिफ्ट करेंगे मेन ओटी में, जहाँ पे आँख में लेंस डाला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद आपको मेन ओटी में ले जाया जाएगा, जहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जो मोतियाबिंद का लेंस लेज़र ने घोल किया है, काट दिया है, उसको निकाला जाएगा और उसकी जगह पर एक नया लेंस डाला जाएगा। सो इस ओटी में जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बेड पे दोबारा लिटाया जाएगा। आंखों पे इस समय बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना, आंखों को झपकना नहीं है बहुत ज़ोर से, आंखों को मीचना नहीं है, आराम से जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसे वैसे करते रहिए। तो बेड पे आपको लिटाया जाएगा। सो ये आप देख रहे हैं, फिर से हम लोग आँख को प्रॉपरली क्लीन करते हैं, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन या कंटामिनेशन आँखों के ऑपरेशन वाले एरिया में ना हो। इसके बाद अगेन आपको एक क्लीन ड्रेप लगाई जाएगी, बिल्कुल एसेप्टिक ड्रेप लगाया जाएगा, और फिर आपको ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कि हम लोग एक बिल्कुल क्लीन एसेप्टिक ड्रेप लगा रहे हैं, और इस ड्रेप को लगाने के बाद ये एरिया जो है ऑपरेशन वाला, ये बिल्कुल साफ सुथरा, कंटामिनेशन फ्री हो जाता है। इसके बाद अगेन आंखों में जो मैंने आपको बताया था, स्पेकुलम लगाया जाएगा, जिससे आंखें खुली रहेंगी, जिससे हम ऑपरेशन कंफर्टेबली कर सकें। तो आप देख रहे हैं एक और स्पेकुलम लगाया जा रहा है, जिससे आंख हमारी खुल जाती है। इसके बाद आपका ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन में 10 से 15 मिनट लगते हैं, किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं लगता, आंखों में दर्द नहीं होता, कोई टांका नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं लगती। ऑपरेशन जब आप करा रहे हैं तो आपको आराम से लेटे रहना है, और इस माइक्रोस्कोप के नीचे ऑपरेशन किया जाता है, तो इस माइक्रोस्कोप के बीच में से एक लाइट निकलेगी, उस लाइट को आपको देखते रहना है जब आप ऑपरेशन करा रहे हैं, और बाकी सारा काम डॉक्टर का है, आपको और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना। सो अगेन बता रहा हूँ, जब आप लेटे हुए हैं, ऊपर माइक्रोस्कोप होगा, उससे एक लाइट निकल रही है, उस लाइट को आप देखते रहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10-15 मिनट में पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें दो ओटीज में जाया जाता है। पहले हम लोग एक लेज़र वाली ओटी में जाते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोतियाबिंद को घोला जाता है, और फिर दूसरी ओटी में जाके मोतियाबिंद को निकाला जाता है और लेंस को डाला जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक वाला ऑपरेशन करा रहे हैं, MICS फेको या माइक्रो फेको वाला ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ये वाला स्टेप आपका नहीं करा जाता लेज़र वाला, सीधा डायरेक्ट आपको ओटी में ले जाया जाता है, और वहाँ पे लेंस को दूसरी मशीन से काट के तोड़ के निकाला जाता है। ऑपरेशन के बाद प्रिकॉशंस वगैरह दोनों की सेम रहती हैं, जैसे फेमटो लेज़र में जो दवाइयाँ डालनी है, जो प्रिकॉशन डालनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में सेम प्रिकॉशंस आपको दूसरे वाले मैनुअल सर्जरी में भी लेनी है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आपको आराम से उठाया जाएगा,
ओटी के बाहर लाया जाएगा और आपको ये काला चश्मा पहनाया जाएगा। आराम से काला चश्मा पहन लेना है, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको ओटी के बाहर तक ले जाएगा और वहाँ पे फिर कोई आपको डिस्चार्ज समझाएगा कि अपनी दवाइयाँ कैसे कैसे डालनी है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि जब आप अपना ऑपरेशन कराने आ रहे हैं तो ओटी के अंदर आपको कैसे एक एक स्टेप को फॉलो करना है जिससे आपके मोतियाबिंद या कैटरेक्ट ऑपरेशन के रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।